दोस्तों, रावण एक बहुत बड़ा विद्वान, राजनीतिज्ञ, सेनापति, वास्तुकला का ज्ञाता और साथ ही बहुत सारे ज्ञान विज्ञान से जुड़े ग्रंथों का ज्ञाता था। अपनी सिद्धि और तपोबल के जरिए उसने अपने जीवन में बहुत सारी मायावी शक्तियां अर्जित कर ली थीं, जिसकी वजह से उसे इंद्रजाल, तंत्र मंत्र, सम्मोहन और ना जाने कितने प्रकार के जादू करने के लिए वो विख्यात था। यदि संक्षिप्त रूप में कहें तो रावण एक ऐसा व्यक्ति था जो भगवान की तरह ही 64 कलाओं में निपुण था। दोस्तों, रावण भले ही कितना बड़ा अधर्मी रहा हो, परंतु वो आरंभ काल से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहा करता था और भगवान शिव को ही सबसे बड़ा मानता था। रावण को गीत संगीत से बहुत ज्यादा प्रेम था। इसके चलते ही आपने बहुत सारे चित्र में रावण के हाथ में वीणा देखी होगी। रावण वीणा वादन किया करता था और वो इतना अच्छा वीणा बजाया करता था कि स्वर्ग लोक से देवता आकर उसके वीणा वादन को सुना करते थे। वैसे तो रावण के महल में, रानीवास में हजारों रानियां रहती थीं, परंतु उनका सबसे पहला विवाह दिति के पुत्र मय, जिनकी कन्या का नाम मंदोदरी था। दोस्तों, मंदोदरी का प्राकट्य हेमा नामक एक अप्सरा के गर्भ से हुआ था। पौराणिक इतिहास में ये भी बताया जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के पास के ही एक क्षेत्र जिसका नाम मंडौर है, वहाँ की रहने वाली थी। उनका विवाह रावण के साथ हुआ, जिसके बाद उन्होंने कई सारे पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से मुख्य इंद्रजीत, मदोहर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकमवीर थे। इसके अलावा रावण की बहन स्वरूपनखा का विवाह भी रावण ने ही करवाया था। स्वरूपनखा के पति का नाम दानवराज विदु था, जो दानवराज कालका के पुत्र थे। ऐसे में दोस्तों, हिंदू मान्यताओं के मुताबिक रावण त्रेता युग का सबसे शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था और इसी घमंड की वजह से रावण ने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण भी किया था। लाख समझाने पर जब वे नहीं माने, तब भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रावण के पास बहुत ताकत और बहुत सेना थी, लेकिन अहंकार की वजह से वो मारा गया। श्रीलंका में आज भी रामायण से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जो बीते हुए रामायण काल के इतिहास के बारे में बताते हैं। इन बातों को तो सभी जानते हैं कि जब भगवान राम और लंका अधिपति रावण के बीच युद्ध हुआ, तब दोस्तों प्रभु श्री राम जी ने रावण का वध किया था और रावण के अंतिम संस्कार के लिए उसके शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया गया था। विभीषण को लंका का अधिपति रावण का शव सौंपे जाने पर उसका अंतिम संस्कार हो गया था या नहीं, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा ही नहीं है, बल्कि रावण आज भी जिंदा है और इसी धरती पर है, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण जिंदा है। तो आइए जानते हैं और शुरू करते हैं ये खास इन्वेस्टिगेशन। दरअसल दोस्तों, श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और टूरिज्म मिनिस्ट्री ने मिलकर 50 ऐसी जगह खोज निकाली हैं जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है, और इसी में से एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले हैं। रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका के रेगला जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है जहाँ रावण की गुफा मौजूद है। ये गुफा काफी ऊंची है, पर कहते हैं कि यहाँ पर आज भी रावण का शव सुरक्षित रखा गया है। शोध में भी ये पता चला है कि रावण इसी गुफा में आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। रेगला पहाड़ी पर यह गुफा करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर बनी है, जहां 17 फीट लंबे ताबूत में रावण की मम्मी रखी गई है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। रावण के मारे जाने पर राम भगवान ने विभीषण को लंका के साथ साथ रावण का शव भी सौंप दिया था, लेकिन विभीषण ने राजपाट संभालने के चक्कर में रावण के शव को बिना दाह संस्कार के ही छोड़ दिया। इसके बाद राक्षसी कबीले के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए। वो सब रावण को उसी गुफा में ले गए जहां रावण पूजा किया करता था। दोस्तों, राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली। आखिर में उन्होंने रावण के शव को मम्मी बनाने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस तरह से वे जिंदा अवश्य हो जाएंगे, अभी नहीं तो भविष्य में सही। रिसर्च के मुताबिक रावण की मम्मी रेगला के जंगलों में सुरक्षित रखी है। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि एक दिन रावण का मृतक शरीर फिर से जिंदा हो उठेगा और शायद वो कलयुग का दौर हो। दोस्तों, रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है, उस पर एक खास किस्म का लेप लगा हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उस समय शैल संप्रदाय में समाधि लेने की भी परंपरा थी और रावण शैल संप्रदाय से था। कहते हैं कि इसकी वजह से ताबूत आज भी सुरक्षित है, और हो भी क्यों ना,
इस ताबूत की लंबाई है 18 फीट और चौड़ाई 5 फीट। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना दबा हुआ है। इस बात के प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। रावण ने जिस जगह पर माता सीता का हरण कर रखा था उसके पास एक झरना है जहाँ की चट्टानों पर अभी भी हनुमान जी के पैरों के निशान मिलते हैं। आपने कई सारी वीडियोस में भी देखे होंगे। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसी गुफा है जिसका नाम रावणास केव है। इसे रावण एला के नाम से भी जानते हैं, जो एक अंडा आकार चट्टान से लगभग 25 मीटर यानी कि 82 फीट की ऊंचाई से गिरता है। रावण एला वाटरफॉल घने जंगलों के बीच स्थित है। यहाँ सीता नाम से एक पुल भी है। इसी क्षेत्र में रावण की एक गुफा भी है, क्योंकि ये गुफा श्रीलंका के एला में स्थित है, इसीलिए इसे रावण एला गुफा के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ रावण ने कुछ साल बिताए थे। दोस्तों, ये जगह समुन्द्र तल से करीब 4,490 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये श्रीलंका के बांद्रा विला से 11 किलोमीटर दूर है। इस झरने को देखने के लिए आज भी लाखों लोग श्रीलंका आते हैं और यहाँ पहुँचने में एक दिन का समय लगता है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ की सीढ़ियाँ अब काफी टूट फूट चुकी हैं। इसी के साथ दोस्तों, जब रावण सीता माता का हरण करके श्रीलंका ले गया था तो अशोक वाटिका में रखने से पहले उन्हें एक गुफा में रखा गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि वो गुफा आज भी वहाँ पर मौजूद है, जो देखने में बिल्कुल कोबरा सांप जैसी दिखाई देती है। पर इस गुफा के अंदर जाएंगे तो वहाँ ढेर सारी निशानियाँ देखने को मिलेंगी, जो इस बात का प्रमाण देती हैं कि रामायण की कथा कोई काल्पनिक कथा नहीं है। रावण ने माता सीता को वैसे अशोक वाटिका में रखा था। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं और वो भी यहाँ से काफी नजदीक है। गुफा तक पहुँचने का रास्ता काफी खतरनाक है। घने जंगल होने की वजह से यहाँ पर जंगली जानवरों के आने का खतरा अक्सर बना रहता है। और रावणास केव के पास ही एक झरना है जिसे रावणास फॉल के नाम से जाना जाता है। सीता जी को श्रीलंका ले जाने के बाद रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की पेशकश की, लेकिन सीता माता ने रावण के महल में रहने से साफ मना कर दिया। इसीलिए रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया। सीता जी अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे चुपचाप बैठी रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक वाटिका का वो वृक्ष आज भी श्रीलंका में मौजूद है। कहते हैं कि रावण का महल आज भी मौजूद है, जिसमें रावण अपनी पत्नी मंदोदरी के साथ रहता था, उसके भी अवशेष यहाँ मौजूद हैं। इस महल के बारे में कहा जाता है कि इसी महल को बजरंग बली ने अपनी पूंछ के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध पहली बड़ी रणनीति जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि अगर सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा। जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वो आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। दोस्तों, श्रीलंका में एक ऐसी जगह भी है जहां कई गुफाएं और सुरंगें हैं। कहा जाता है कि ये सुरंग रावण की गुफा को अंदर ही अंदर जोड़ती है। लोगों का मानना है कि कई सुरंगें तो साउथ अफ्रीका तक जाती हैं, जिनमें रावण ने अपना बेशकीमती खजाना छुपाया हुआ था। और कुछ कहते हैं कि ये गुफाएं सीधा हॉन्ड्रस भी जाती हैं, जहां पर पाताल के राजा अहिरावण का वास था। दोस्तों, रावण का जिंदा होना आज भी शोध का विषय बना हुआ है। इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है, और ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से कली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। तो क्या उस समय कल्कि अवतार, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार होंगे, और उनके सामने ये चुनौती होगी कि वो कली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करेंगे? तो दोस्तों, अब आपने तो सुन ही लिया होगा कि कितने सारे फैक्ट्स के बुनियाद पर हम कह रहे हैं कि रावण आज भी जिंदा है, क्योंकि उसकी मम्मी आज भी उसी पहाड़ी पर सुरक्षित स्थित है। अब दोस्तों, इस विषय में आपका क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ रामायण के कुछ अन्य सबूतों पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, रामायण के अनुसार जब सीता माता का हरण हुआ था, तब इसी बीच सीता माता की खोज में राम जी की मुलाकात हनुमान जी से हुई। इसके बाद हनुमान जी हर रोज एक स्थान पर श्री राम की प्रतीक्षा किया करते थे। आज इस स्थान को हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर हनुमान जी का एक बहुत बड़ा मंदिर भी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामायण में भी आपको इस मंदिर का उल्लेख साफ साफ देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसी तरह जब श्री राम को सीता जी के बारे में पता चला कि वो कहाँ पर कैद हैं, तब हनुमान जी और बाकी लोगों के साथ मिलकर श्रीलंका के रास्ते पर निकल पड़े, लेकिन बीच में विशाल समुद्र को देखकर वहीं पर रुक गए। उसी वक्त उनकी सेना ने चट्टानी पत्थरों पर राम का नाम लिखा और उसे पानी में फेंकने लगे। राम नाम लिखे जाने से पत्थर पानी में तैर रहे थे। इसके बाद उनकी पूरी सेना ने मिलकर श्रीलंका
श्रीलंका तक पुल बनाया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रामायण में आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक बार लक्ष्मण मूर्छित होकर गिर गए थे। उस वक्त हनुमान जी हिमालय गए और वहां से संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ उठाकर ले आए थे। लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जब हनुमान जी उस पहाड़ को उठाकर श्रीलंका तक ले गए तो आखिर वो पहाड़ है कहाँ। चलिए आज आपको इसके भी दर्शन करा देते हैं। दोस्तों, जब आप श्रीलंका जाएंगे और रामायण के तथ्य को ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब आपको वहां पर एक बहुत ही विशाल पहाड़ देखने को मिलेगा, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही पहाड़ है जिसे हनुमान जी उठाकर श्रीलंका तक ले आए थे। इसी तरह जब रावण सीता माता को हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में सफल नहीं हो सका। रावण ने उन्हें मार गिराया, लेकिन जहां पर जटायु गिरे थे, आज उस जगह को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, यहां पर ऐसे कई सबूत हैं जो आपको ये बताएंगे कि जटायु का पार्थिव शरीर इसी जगह पर गिरा था। इसी के साथ दोस्तों, रामायण के युद्ध के दौरान रामायण में ये साफ साफ बताया गया है कि रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े बड़े विशाल हाथियों की मदद से करता था। आज के पाए जाने वाले हाथियों की तुलना में ये हाथी कई गुना ज्यादा बड़े और विशाल थे। हालांकि आज से कुछ समय पहले तक लोगों को ये बातें काल्पनिक ही लगती थी, लेकिन अब श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने शोध करने शुरू किए हैं, तब उन्हें हाथियों के ऐसे जीवाश्म मिल रहे हैं जो आज के पाए जाने वाले हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़े थे। दोस्तों, रावण का वध करने के बाद एक ऐसा समय भी आया जब सीता माँ को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी, आज भी वो स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जगह को दीवुरमपुला कहा जाता है। दोस्तों, रावण के वध के बाद राम जी ने लंका का सारा भार विभीषण के हाथों सौंप दिया था। इसके बाद विभीषण ने कलान्या नदी के करीब अपना एक महल बनवाया था, जिसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में मिला है। शोधकर्ता की एक टीम जब वहां पर जांच कर रही थी, तब वहां पर महल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं जो विभीषण के महल का सबूत देते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।